मिस्टर रतन टाटा इंडियन बिजनेस जगत में एक ब्रांड, एक पहचान बन चुके हैं। मिस्टर रतन टाटा का जन्म 1937 में सूरत शहर में सर नवल टाटा के घर में हुआ था। उनकी स्कूल की पढ़ाई शिमला में एक स्कूल में हुई। उसके बाद कार्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, जिसे आप उनके कॉलेज की अंतिम डिग्री कह सकते हैं, पर यह इनके डिग्रियों के खजाने की शुरुआत थी। उसके बाद आज तक उनको 15 से ज्यादा मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां मिल चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज द्वारा दिया गया, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया डॉक्टर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया डॉक्टर ऑफ बिजनेस, आईआईटी मुंबई, मद्रास और खड़गपुर द्वारा दिया गया डॉक्टर ऑफ साइंस। इसके अलावा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कई देशों की सरकारों द्वारा इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल है। रतन टाटा का शर्मिलापन और पब्लिसिटी से दूर रहने का उनका स्वभाव उनको अन्य बिजनेसमैन से अलग करती है। उनका सादगीपूर्ण और सामान्य जीवन शैली उन्हें आम जनता का उद्योगपति बनाती है, जिस वजह से भारत की आम जनता उन्हें विशेष सम्मान से देखती है। रतन टाटा, जिन्होंने नए जमाने के बिजनेस और पुराने जमाने के वैल्यूज को एक साथ लेकर टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयां दी, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप में 1961 में शॉप फ्लोर से प्रारंभ किया था और उसके बाद नेल्को और इम्प्रेस मिल होते हुए 1991 में ग्रुप के चेयरमैन तक का सफर तय किया। इसी वर्ष टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन चुना। इन्होंने टाटा ग्रुप में जब अपना पद संभाला, ग्रुप के अंदर कुछ लीडर जो दशकों से ग्रुप में थे उन्होंने इनका विरोध किया। उनमें से कुछ को हटाया गया और कुछ 70 की उम्र पूरा होने से ग्रुप से बाहर हो गए। उसके बाद उन्होंने ग्रुप की कंपनियों की मरम्मत शुरू कर दी, जिसके लिए इन्होंने युवाओं को मैनेजमेंट में लाया और उन्हें नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। कुछ कंपनियों में विस्तार किया और कुछ बिजनेस से बाहर निकले। इन्होंने ग्रुप के बिजनेस को सेंट्रलाइज्ड किया और सभी जगह जिम्मेदारियां तय की। इन्होंने टाटा ग्रुप को एक भारतीय कंपनी से ग्लोबल कंपनी बनाया। इनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में टाटा टी द्वारा टेटली का अधिग्रहण, टाटा मोटर द्वारा लंदन की जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण और टाटा स्टील द्वारा कोरस स्टील यूरोप का अधिग्रहण प्रमुख है। इन्होंने भारत में कार बनाने का सपना देखा और 1998 में पहली पूरी तरह से भारत में डिजाइन, डेवलप और निर्माण की गई कार टाटा इंडिका को हकीकत में बदला। इसके अलावा इन्होंने एक आम आदमी के लिए कार टाटा नैनो का सपना देखा और उसे हकीकत में बदला, बावजूद इसके कि टाटा नैनो में कंपनी को कुछ घाटा हो रहा था। अपने 21 वर्ष की अवधि में इन्होंने ग्रुप के रेवेन्यू को $1 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाया। इन सब के अलावा वह नए भारतीय स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने और उनको सुझाव देने में हमेशा आगे रहे हैं। इन्होंने ओला कैब, पेटीएम और कैशकरो.com जैसे भारतीय कंपनी के साथ साथ चाइना की कंपनी सियाओमी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कहते हैं बिजनेसमैन का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट होता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट इज द बॉटम लाइन ऑफ बिजनेस, लेकिन टाटा ग्रुप में ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ ऑनेस्टी, ईमानदारी और सोशल वैल्यूज के साथ साथ सोशल सर्विस को भी तवज्जो दी जाती है। इसीलिए टाटा ग्रुप दूसरे बिजनेस हाउसेस से बिल्कुल अलग है। वैसे ही इसके चेयरमैन भी बिल्कुल अलग हैं दूसरे बिजनेसमैन से। कहते हैं अगर जीवन में असफलता न हो तो हम सफलता का महत्व भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को कभी असफलता न मिली हो। नेल्को कंपनी कंज्यूमर गुड्स बनाया करती थी। ये उस वक्त की बात है जब कंपनी घाटे में चल रही थी और कंपनी का जिम्मेदारी मिस्टर रतन टाटा को दी गई। इन्होंने उस कंपनी को घाटे से उबार कर प्रॉफिट में लाया
लेकिन तब तक वक्त ने साथ नहीं दिया और देश में इमरजेंसी लगा दी गई। उस वजह से कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत कम हो गई और वह कंपनी पूरी तरीके से घाटे में चली गई और रतन टाटा का मेहनत पूरी तरह बेकार हो गया। लेकिन इससे इन्होंने हार नहीं माना। इन्होंने मिस्टर जेआरडी रतन टाटा से बात किया और उन्हें कहा कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करें तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जेआरडी रतन टाटा उस कंपनी को और चलाने के मूड में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसे बंद करने का फैसला लिया। उसके बाद मिस्टर रतन टाटा को इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारियां दी गई। वह कंपनी भी बहुत ही नाजुक स्थिति में थी क्योंकि वह कंपनी कॉटन के कपड़े बनाया करती थी और उस वक्त पॉलिएस्टर के मार्केट में आ जाने से कॉटन के कपड़ों की डिमांड बहुत कम हो गई थी। मिस्टर रतन टाटा ने उस कंपनी को बारीकी से समझा और जेआरडी टाटा को बताया कि अगर हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें और इस कंपनी को हम पॉलिएस्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लायक बना दें तो यह कंपनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन वह कंपनी भी काफी दिनों से घाटे में थी, इसीलिए उसे भी बंद कर दिया गया। इन सब के अलावा टाटा ग्रुप के द्वारा कोरस कंपनी का अधिग्रहण भी अभी तक फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। टाटा कंपनी को हर भारतीय सम्मान की नजर से देखता है क्योंकि देश की पहली स्टील कंपनी, देश की पहली एयरलाइंस, देश की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज, देश की पहली साइंस कॉलेज, देश की पहली कार इस कंपनी की देन है जो सिर्फ प्रॉफिट के नजरिए से नहीं बनाई गई थी। टाटा कंपनी की पेरेंट संस्था टाटा ट्रस्ट इस देश की मुख्य चैरिटेबल संस्था है और इसका 60% प्रॉफिट जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च किया जाता है। भारत के गांवों में कई तरह के प्रोजेक्ट इस संस्था द्वारा चलाया जाता है। कई भारतीय स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए इस संस्था द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। कुल मिलाकर यह संस्था देश के आम आदमी के लिए बहुत कुछ करती है। देश के कई मुख्य संस्थान जो टाटा ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए थे उनमें से प्रमुख है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा और यह आपको इंस्पायर करेगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।